हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिटकरी के कुछ ऐसे फ़ायदे जिसको जानकर आप हैरान रह जाओगे। कुछ घरों में फिटकरी को आफ्टर सेव की तरह इस्तेमाल करते हैं और कुछ घरों में इसको पानी साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में इसका कई फ़ायदों का उल्लेख किया गया है। फिटकरी अनेक औषधीय गुण से युक्त होती है जो हमारे शरीर के अनेक गंभीर बीमारियों को ख़त्म करते हैं। सालों से हमारे आपके घरों में फिटकरी का इस्तेमाल होता आ रहा है। फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। फिटकरी दो तरह की होती है, लाल और सफ़ेद, लेकिन ज़्यादातर घरों में सफ़ेद फिटकरी का ही इस्तेमाल होता है। फिटकरी से 30 तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी फिटकरी के कुछ ऐसे उपयोग जिसे आप अपने शरीर के अंगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई हो या फिर घाव हो गया हो और उससे लगातार खून आ रहा हो, तो फिटकरी के पानी से घाव को धो लें। इससे खून बहना बंद हो जाएगा। फिटकरी के पानी की जगह फिटकरी को महीन पीसकर भी उपयोग में ला सकते हैं। चेहरे की झुर्रियों को दूर करने में फिटकरी बहुत मददगार है। अगर आपके चेहरे पर भी झुर्रियाँ आ गई हो तो फिटकरी के पानी का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप चाहें तो फिटकरी के बड़े टुकड़े को पानी में डुबोकर चेहरे पर हल्के हाथों से मलें। कुछ देर बाद साफ पानी से चेहरे को धो लें। पसीने की बदबू को दूर करने के लिए फिटकरी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको भी बहुत पसीना आता है और आपके पसीने से बदबू आती है, तो फिटकरी का इस्तेमाल आपके लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद रहेगा। फिटकरी का एक महीन चूर्ण बना लें, यानी अच्छे से इसको पीस लें। नहाने से पहले फिटकरी के चूर्ण की कुछ मात्रा पानी में डाल लें। इस पानी से नहाने से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको दमा, खांसी और बलगम की समस्या है, तो इसमें भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको दिमाग की शिकायत है, तो फिटकरी आपकी इस समस्या का रामबाण इलाज है। फिटकरी के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में फ़ायदा होता है। दांतों की समस्या का फिटकरी कारगर समाधान है। फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। दांत में दर्द और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नेचुरल माउथवाश है। दांत दर्द होने पर फिटकरी के पानी से गूगल करना फ़ायदेमंद रहता है। अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो फिटकरी का टुकड़ा पानी में भिगोकर चेहरे के दाग धब्बों पर रगड़ें। लेकिन इतना ज़्यादा भी मत रगड़ना, क्योंकि चेहरे का स्किन बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट होता है। तो इसको दिन में 2 बार बस 5 मिनट तक ही रगड़ना है। इस उपाय को कुछ दिन लगातार करने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो हफ्ते में 2-3 बार चेहरे पर फिटकरी रगड़ें। इससे चेहरे पर पिंपल्स होने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, इससे थोड़ी जलन हो सकती है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम। अगर आपके सिर में जुए हो गए हो, तो फिटकरी के पानी से बाल धोना फ़ायदेमंद रहेगा। इसके एंटी बैक्टीरियल गुण के चलते जुए मर जाते हैं और दूसरी सिर की गंदगी भी धुल जाती है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाने पर भी फिटकरी का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्रतिदिन फिटकरी के पानी से प्राइवेट पार्ट की सफाई करने से इन्फेक्शन का खतरा दूर हो जाता है। इसके अलावा पानी में घुलनशील औषधि को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी पानी में जो ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल होते हैं, इसका औषधीय गुण को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये गंदे पानी को भी साफ कर देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भूलना मत। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ।